हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। अक्सर परीक्षाओं में आता है, समझ लेंगे तो आप आसानी से 6, 7, 8 अंतर तक भी लिख सकते हैं। यहां पर श्वसन की पूरी क्रिया दिखाई गई है। श्वसन भी एक जैव रासायनिक क्रिया है, क्योंकि यह भी जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। तो यह पूरी क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में हो रही है। और जैव रासायनिक क्रिया इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ पदार्थ भाग ले रहे हैं। देखिए, यहां पर ग्लूकोज भाग ले रहा है 6 कार्बन वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, इसलिए इसको हमने रासायनिक क्रिया कहा है। तो श्वसन कोशिकाओं के अंदर होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन या दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है और अपार ऊर्जा पैदा होती है। तो हर जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है, यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अब हमें यहां पर देखना है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर। तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये ऑक्सी श्वसन है। क्यों है ऑक्सी श्वसन? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए, इस क्रिया में ये पूरा यहां से यहां तक हम ऑक्सी श्वसन कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ऑक्सीजन को लिया जा रहा है ग्लूकोज को जलाने के लिए। तो हमारा पहला अंतर तो यही बन गया। पहले हम वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन को देखेंगे। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात इस श्वसन में ऑक्सीजन काम में ली जाती है। दूसरा है, चूंकि यहां पर ऑक्सीजन ली जा रही है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जल रहा है, तो ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। ये देखिए, ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और वह अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। अगर अपूर्ण दहन होता, अधूरा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं बनते, बल्कि कोई दूसरा माध्यमिक यौगिक बनता। लेकिन यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जल रहा है, इसलिए ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु बन जाएगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, अर्थात ग्लूकोज पूरी तरह जल जाता है और अपने अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। चलिए अब हम चौथी विशेषता देखें ऑक्सी या वायवीय श्वसन की। तो देखिए, यहां पर चूंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह जलता है, इसलिए बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम 36 और 2 इनको जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 38 ATP। तो इस प्रकार ग्लूकोज के ऑक्सी श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है, लगभग 38 ATP। ये हमारा अगला बिंदु बन गया, इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, करीबन 38 ATP। और ये क्रिया होती कहां है? ऑक्सी श्वसन की यह क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ये जो क्रिया है ये कोशिका द्रव में हो रही है, ये लिखा हुआ साइटोप्लाज्म, और ये इसका जो दूसरी क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो इस प्रकार ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के माध्यम से। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने ऑक्सी श्वसन की देखी है। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एक कैसे जीवों में देखने को मिलता है, या उच्च जीवधारियों में, बड़े बड़े बहुकोशीय जंतुओं में जैसे पौधों और प्राणियों में पाया जाता है। और इसकी रासायनिक समीकरण देखिए, यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो रहा है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन रहा है और बहुत ऊर्जा पैदा हो रही है 38 ATP। ये हुआ हमारा वायवीय ऑक्सी श्वसन। अब अगर अनऑक्सी आपसे पूछा जाए, अवायवीय श्वसन के बारे में आपसे पूछा जाए, तो इसकी उल्टी बातें लिखना है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। ये मैं एक और बात बता दूं, ये श्वसन की परिभाषा और रासायनिक समीकरण भी आपसे पूछी जा सकती है। तो श्वसन की परिभाषा हमने आपको बोल के बताई, रासायनिक समीकरण नीचे लिखी है, एक अलग से प्रश्न है। चलिए, अवायवीय श्वसन क्या है? ये देखिए, हमने क्रेब्स चक्र हटा दिया, अब केवल कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में एक ही चक्र चल रहा है, वो है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, और इसमें बहुत कम ऊर्जा पैदा हो रही है, मात्र 2 ATP, और ऑक्सीजन भी नहीं लग रहा। तो ऐसे श्वसन को हम अवायवीय अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का दहन हो रहा है, ग्लूकोज जल रहा है, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भी मिल रही है, लेकिन यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना जल रहा है और ऊर्जा भी कम पैदा हो रही है। तो इसी को कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अवायवीय श्वसन में केवल एक ही चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस,
और बाद में ये जो पाइरुविड बना है ये या तो बदल जाता है एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH में, या बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में। अल्कोहल का निर्माण होता है ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा और लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी पेशी कोशिकाओं में। तो इस प्रकार अवायवी श्वसन की क्रिया किन जीवों के द्वारा की जा रही है? एक तो एक कोशीय कवक ईस्ट के द्वारा की जा रही है, और दूसरा जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी पेशीय कोशिकाओं के अंदर भी ये अवायवी श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो अंतिम उत्पाद नहीं बनते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बल्कि माध्यमिक यौगिक बनते हैं लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, और बहुत कम ऊर्जा पैदा होती है, मात्र 2 ATP। तो ये आपने समझा कि अवायवी श्वसन केवल कोशिका द्रव में एक ही चक्र के माध्यम से होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगती और बहुत कम ऊर्जा पैदा होती है और ग्लूकोज में का अपूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन के बिना जल रहा है ना, इसलिए अपूर्ण दहन, और लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं और ये क्रिया ईस्ट और पेशी कोशिकाओं में देखने को मिलती है। चलिए ये आ गए हमारे सामने, ये समीकरण भी है अवायवी श्वसन की, ये पॉइंट ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के बिना अपूर्ण दहन, माध्यमिक उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल बनते हैं, कम ऊर्जा मात्र 2 ATP, केवल कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस चक्र द्वारा, और निम्न जीवों जैसे ईस्ट और ऑक्सीजन की कमी होने पर मानव की पेशी कोशिकाओं में क्रिया संपन्न होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।